और आप देख रहे हैं न्यूज फॉरनेशन। भाजपा की नेत्री के कार पे टक्कर मार दिया एक ट्रक और उनकी कार में आग लगी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी। यूपी के अमरोहा में सोमवार देर रात मुरादाबाद की भाजपा नेत्री सरिता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी में आग लग गई। हादसे के बाद पुलिस ने घायल भाजपा नेत्री को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अमरोहा पहुंचे परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को साथ ले गए। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुरादाबाद की काशीराम कॉलोनी निवासी सरिता भाजपा संगठन में चंद्र नगर मंडल की उपाध्यक्ष थी। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी के मुताबिक सरिता सोमवार देर रात करीब 1 बजे अपनी कार से नूरपुर से मुरादाबाद जा रही थी। कार वो खुद चला रही थी, अकेली थी। नौगवा साद थाना क्षेत्र के नूरपुर मुरादाबाद मार्ग पर कुमकिया पुलिस चौकी के सामने उनकी कार को सामने से आकर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार में आग लग गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, कार में फंसी सरिता को बाहर निकाला, उनको गंभीर हालत से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी बीच सरिता के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई। देर रात ही जिला अस्पताल पहुंचे परिजन मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव को साथ ले गए। प्रभारी निरीक्षक ने मामले में मृतक के पति राम रतन की तहरीर पर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात की है। जहां एक तरफ भाजपा की नेत्री थी ये सरिता, अपने घर मुरादाबाद आ रही थी, खुद कार चलाकर आ रही थी, अचानक से एक ट्रक ने इनकी कार को टक्कर मारा और इनकी कार में आग लगी, जिसके बाद सरिता को पुलिस वालों ने अस्पताल तो ले गए, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई और इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में मातम भी छाई हुई। जहां एक तरफ कार के टक्कर मारने के बाद सरिता के पति ने पुलिस को जाँच करने का निर्देश दिया है, उस कार वाले के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। फिलहाल कार ट्रक चालक वाले को पकड़ लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेत्री की मौत के बाद सियासी गलियारों में भी मातम छाया हुआ है। भाजपा की ये नेत्री थी, अपने घर मुरादाबाद आ रही थी, अचानक से सड़क पर ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें इनकी मौत हो गई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।